बहुत पीछे आई हुई था नीचे से हटो भी तभी तो कोई पीछे ऐसे जी सर ओके अरे टीम पीछे तो आओ सर सामने देखें इधर सर ऐसे घूम जाएगा सर सरानी सेवा सम्मान के लिए वक्त पर घर देखें सामने आप इसके बाद मुख्य आरक्षी चालक श्री वीरेंद्र कुमार सोनी परिवहन शाखा प्रयागराज कमिश्नरी पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्कृष्ट सेवा निरीक्षक श्री राजीव प्रसाद प्रयागराज कमिश्नरी कमांडर सज्जा कमांडर सल्यूट यह गर्व की बात है कि आज जब हम यहाँ पे परेड के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ और मैं आप सब जवानों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आपके मंगलमय जीवन, आप जिस प्रकार से अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे, सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है और आप सब का मान सम्मान स्वाभिमान उसको भी बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेगी। आज तो यह सम्मान स्वरूप मैं इसी घोषणा किया हूँ और आगे आप सबके साथ बैठ करके फिर कभी चर्चा करेंगे। आज तो यह गणतंत्र दिवस की सलामी परेड आपके शानदार प्रदर्शन पर यह पुरस्कार की घोषणा कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका पूरा परिवार के साथ पुलिस परिवार के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के साथ जनता में बनाया गया उसको स्वीकार करके हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक गणतंत्र के रूप में, एक जनतंत्र के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का गौरव अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। आज मुझे प्रयागराज की इस रिजर्व पुलिस लाइन से यह कहते हुए गर्व हो रहा है, जिस अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान रखने के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर तैनात हमारे वीर बाकुड़ों ने कई बार दुश्मन देशों को धूल चटाते हुए देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिया,
लेकिन कभी भी भारत की एक इंच जमीन को भी दुश्मन को छूने नहीं दिया। ऐसे में सीमा पर डटे हुए अपने उस देश की सभी सेनाओं के वीर बांकुरों को भी प्रयागराज की धरती से प्रणाम करता हूं, उनको जय हिंद करता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनको सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब यहां पर पुलिस लाइन के स्वीकार करके हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक गणतंत्र के रूप में, एक जनतंत्र के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर Breathe!
श्री अमित शर्मा जी से कृपया हमारे जवानों को संकल्प दिलाएं। अरे ठीक है। मोबाइल पीछे करो यार, मोबाइल पीछे करो फिर। और इसी के साथ उमंग का प्रतीक एक गुब्बारे को और उनके साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय श्री आकाश कुलहरी जी बढ़ते जाओ एवरी तेलंगाना उसके बाद तीन नवंबर को यह ध्वज देश की शान है।